जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी सरकार की। जैसे भक्तों आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार धाम पर दिव्य दरबार लगाया और प्रेत बाधाओं की माल लगाई, पटके लगाई, और देख सकते हैं सभी भक्तों के पर्चे बनाए, भभूति बाटी प्रेत बाधा वालों को, और कुछ समय बैठकर सिंहासन पर बहुत गुरु प्रवचन सुनाए। गुरु का धर्म जो होता है सभी का बारे में प्रचार दिया, हमारे सनातन धर्म का बारे में प्रचार दिया, हमारे इष्ट हमारे प्रभु के बारे में प्रचार किया, सभी भक्तों को दिया गुरुदेव ने अधिक बहुत परम ज्ञान। आप देख रहे हैं जो श्री गुरुदेव की कुर्सी है, सिंहासन है, सभी चेंज हो चुका है, और देख सकते हैं भक्तों के लिए काफ़ी बड़े पिंडाल की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त उसमें बैठें और दिक्कत ना हो और अच्छे से अपने ज्ञान को सुने। और इतना ही नहीं, भक्तों के बीच में जाकर गुरुदेव ने उनको कुछ ऐसे लिफाफे दिए हैं सभी को, भक्तों को, टीम को, जो देख सकते हैं जो सेवा करती है टीम, जो अन्नपूर्णिमा में सेवा चलती है, सभी सेवादारों को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया सबके बीच में जाकर, और उनको कुछ है हाथ में जो दे रहे हैं सभी भक्तों को। आप देख रहे हैं सभी भक्तों से मिले, सभी सेवादारों को बहुत धन्यवाद करे, आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुरुदेव धाम पे से कहीं चले जाते हैं, धाम पे सेवादारी संभालते हैं, और उनके भाई उनके माता पिता साथ संभालते हैं, सभी मेहनत करते हैं। अन्नपूर्णिमा रसोई भक्तों, इतने सारे भक्तों का भोजन पेट भरना, उनके लिए भोजन बनाना सभी सेवादार करते हैं। गुरुदेव जब आते हैं तो अपने देखते हैं, अपने काम कार्य जो बिगड़ जाते हैं वो संभालते हैं, देखते हैं, और बहुत सारे कार्य होते हैं उनको धाम पर आके जो उनको टाइम नहीं मिलता, और देख सकते हैं जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं उनको तो टाइम से सोने नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि कितना दिक्कत हो जाती है पर्चे बनाने, और सभी पूछते हैं अपने अपने बारे में, तो गुरुदेव को बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वो 24 घंटे में से कुछ एक दो तीन घंटे की नींद लेते हैं, बाकी अपने कार्यों में लगे रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिस दिन जागेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की पर जाएगा, उस पल उस दिन गुरुदेव को सुकून और आनंद आएगा। और गुरुदेव को नहीं, हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी, हमारे अंदर के ममता दया जागेगी, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा सभी कुछ कर्म करेंगे अपना, तो हमारे ही भाग्य सुधरेगा। परमपिता परमात्मा को ज़िंदगी में याद कर और अपने अच्छे कर्म करके आगे बढ़े, उसका सुकून कुछ अलग ही है। किसी का रूप खसेट के या किसी का हड़प के या कुछ भी गलत कार्य करके हम जिंदगी में आगे बढ़े, कभी खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुख की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी का अच्छाई करते हैं तो हमें एक अलग सुकून मिलता है, अलग ही स्माइल आती चेहरे पर। अगर वही हम गलत कर दें किसी का, या किसी का चोरी कर लें, या लालच आ जाए, कुछ भी गलत है, तो हमारे मन में बहुत घबराहट सी और दुख सा पैदा होता है, क्योंकि हम लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। हम देखते हैं, हमारी नज़र ख़राब होती है, क्योंकि हम देखते हैं इंसानों को कि कोई नहीं देख रहा। हम इंसानों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा से नहीं छुपा सकते। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला भी सब देखता है। तो अपने सनातन धर्म को जानें और अपनी संस्कृति को जानें, अपने परम ज्ञान पाएं और अपने जीवन को धन्य करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने माइंड को अच्छे से स्थिर करें, अपने कंट्रोल करना कोशिश करें, क्योंकि जो अपने भक्ति के मार्ग पर चलता है ये सब कार्य भगवान खुद ही छुड़वा देते हैं, क्योंकि ये मन है बहुत चंचल है, इस पापी सबसे बड़ा मन है ये। तो इस मन को अपने ऐसे कार्यों में लगाओ, ऐसे कर्म में लगाओ, ऐसे भगवान के ओर लेके चलो कि आपको भी अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप। जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी सरकार की। जिसे भक्तों आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार धाम पर दिव्य दरबार लगाया और प्रेत बाधाओं की माल लगाई, पटके लगाई, और देख सकते हैं सभी भक्तों के पर्चे बनाए, भभूति बाटी प्रेत बाधा वालों को, और कुछ समय बैठकर सिंहासन पर बहुत गुरु प्रवचन सुनाए। गुरु का धर्म जो होता है सभी का बारे में प्रचार दिया, हमारे सनातन धर्म का बारे में प्रचार दिया, हमारे इष्ट हमारे प्रभु के बारे में प्रचार किया, सभी भक्तों को दिया गुरुदेव ने अधिक बहुत परम ज्ञान। आप देख रहे हैं जो श्री
गुरुदेव की कुर्सी है, सिंहासन है, सभी चेंज हो चुका है। और देख सकते हैं भक्तों के लिए काफ़ी बड़े पंडाल की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त उसमें बैठें और दिक्कत ना हो और अच्छे से अपने ज्ञान को सुने। और इतना ही नहीं, भक्तों के बीच में जाकर गुरुदेव ने उनको कुछ ऐसे लिफाफे दिए हैं सभी को, भक्तों को, टीम को, जो देख सकते हैं जो सेवा करती है टीम, जो अन्नपूर्णिमा में सेवा चलती है, सभी सेवादारों को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया सबके बीच में जाकर। और उनको कुछ है हाथ में जो दे रहे हैं सभी भक्तों को, आप देख रहे हैं सभी भक्तों से मिले, सभी सेवादारों को बहुत धन्यवाद करें, आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुरुदेव धाम पे से कहीं चले जाते हैं, धाम पे सेवादारी संभालते हैं और उनके भाई, उनके माता पिता साथ संभालते हैं, सभी मेहनत करते हैं। अन्नपूर्णिमा रसोई, भक्तों, इतने सारे भक्तों का भोजन पेट भरना, उनके लिए भोजन बनाना, सभी सेवादार करते हैं। गुरुदेव जब आते हैं तो अपने देखते हैं, अपने काम कार्य जो बिगड़ जाते हैं वो संभालते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे कार्य होते हैं उनको धाम पर आके जो उनको टाइम नहीं मिलता, और देख सकते हैं जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं उनको तो टाइम से सोने नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि कितना कितना दिक्कत हो जाती है पर्चे बनाने, और सभी पूछते हैं अपने अपने बारे में, तो गुरुदेव को बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वो 24 घंटे में से कुछ एक दो तीन घंटे की नींद लेते हैं, बाकी अपने कार्यों में लगे रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिस दिन जागेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की पर जाएगा, उस पल, उस दिन गुरुदेव को सुकून और आनंद आएगा। और गुरुदेव को नहीं, हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी, हमारे अंदर के ममता दया जागेगी, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे सभी कुछ कर्म करेंगे अपना, तो हमारे ही भाग्य सुधरेगा। परमपिता परमात्मा को ज़िंदगी में याद कर कर और अपने अच्छे कर्म करके आगे बढ़ें, उसका सुकून कुछ अलग ही है। किसी का रूप खसेट के या किसी का हड़प के या कुछ भी गलत कार्य करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कभी खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुख की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी का अच्छाई करते हैं तो हमें एक अलग सुकून मिलता है, अलग ही स्माइल आती है चेहरे पर। अगर वही हम गलत कर दें किसी का, या किसी का चोरी कर लें, या लालच आ जाए, कुछ भी गलत है, तो हमारे मन में बहुत घबराहट सी और दुख सा पैदा होता है, क्योंकि हम लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। हम देखते हैं, हमारी नज़र ख़राब होती है, क्योंकि हम देखते हैं इंसानों को कि कोई नहीं देख रहा। हम इंसानों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा से नहीं छुपा सकते। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला भी सब देखता है। तो अपने सनातन धर्म को जानें और अपनी संस्कृति को जानें, अपने परम ज्ञान पाएँ और अपने जीवन को धन्य करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने माइंड को अच्छे से स्थिर करें, अपने कंट्रोल करना कोशिश करें, क्योंकि जो अपने भक्ति के मार्ग पर चलता है ये सब कार्य भगवान खुद ही छुड़वा देते हैं, क्योंकि ये मन है बहुत चंचल है, इस पापी सबसे बड़ा मन है ये। तो इस मन को अपने ऐसे कार्यों में लगाओ, ऐसे कर्म में लगाओ, ऐसे भगवान के ओर लेके चलो कि आपको भी अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि